Good morning, students. Students, hope you are reading at home. In previous video, you learned in Hindi reader. Today you will learn Hindi Vyakaran. Okay, today I will teach you Hindi Vyakaran. Students, today I will give you some basic knowledge. तो बच्चों देखिए, ये बेसिक नॉलेज जो है ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है. ये मैं खुद से आप लोगों के लिए थोड़ा इजी वे में मैं आप लोगों को नोट्स बना करके दे रही हूँ. इसको आप लोग अपनी नोट हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिख लोगे, ठीक है. देखिए, ये विराम चिन्हों के प्रकार या भेद हैं ये, ठीक है. आप लोग इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हो कि कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है. तो ये देखिए, पूर्ण विराम है ये. पूर्ण विराम को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. अर्ध विराम है, अल्प विराम है, आश्चर्य चिन्ह है. ये देखिए, आश्चर्य का जब चिन्ह हम लोग लगाते हैं तो वो निशान ऐसा रहता है, चिन्ह ऐसा रहता है. निर्देशक जो चिन्ह है वो ऐसा रहता है. कोष्टक चिन्ह, ये तीन प्रकार से जहाँ भी दिए रहेंगे ये कोष्टक चिन्ह कहलाता है. ये हो गया अवतरण चिन्ह, ठीक है. ये देखिए, अवतरण चिन्ह कैसे कैसे, इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं. उप विराम या फिर अपूर्ण विराम, इसे उप विराम भी कहते हैं, अपूर्ण विराम भी कहते हैं. विवरण चिन्ह है ये. ये देखिए, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं. और ये है पुनरुक्ति चिन्ह. पाद बिंदु, इस तरह से कहीं भी लिखा रहे तो ये कौन सी बिंदु है, पाद बिंदु है ये. आई विल सेंड दिस नोट इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, देन यू विल राइट इन योर हिंदी व्याकरण नोटबुक. यहाँ भी कुछ हिंदी के स्पेशल हैं. संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ये देखिए. संज्ञा के भेद पांच होते हैं. रचना के आधार पर संज्ञा के भेद तीन होते हैं. संधि के भेद तीन, स्वर संधि के भेद पांच होते हैं. समास के भेद छह होते हैं. कारक के भेद प्रकार कितने होते हैं, तो आठ होते हैं. वचन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के. लिंग के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के. काल के भेद तीन होते हैं. विशेषण के भेद चार होते हैं. सर्वनाम के भेद छह होते हैं. क्रिया विशेषण के भेद चार होते हैं. क्रिया के प्रकार दो. और वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो चार. पुराण कितने हैं हमारे, अट्ठारह. तो ये बेसिक मैं आप लोगों को अभी बता दे रही हूँ. और जैसे जैसे चैप्टर मैं आप लोगों को समझाऊँगी और पढ़ाऊँगी, तो अगर ये लर्न रहा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा सीखने में, और बहुत ही आसानी से आप लोग सीख भी जाओगे, ठीक है. और ये सब जो बेसिक है आप लोगों को लाइफ टाइम काम आने वाला है. इसलिए आपको इसको नोट कर लेना चाहिए अच्छे से, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में. और इसको लर्न भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है. स्टूडेंट्स, इन हिंदी व्याकरण बुक में ओपन योर चैप्टर थर्टीन, सॉरी चैप्टर नॉट, पेज नंबर थर्टीन. चैप्टर टू है वर्ण विचार. तो आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी. वर्ण विचार क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं. वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52, 52, ठीक है. हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है. दो भाग कौन कौन से हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है. जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं. ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि स्वर वर्ण को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, वे स्वतंत्र होते हैं. ये देखिए स्टूडेंट, ये स्वर के प्रकार हैं. तो ये है मूल, ह्रस्व, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर. और ये पहला है मात्रा. देखिए, ये नोट्स मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी, और इस नोट्स को अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार के रख लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है. ये सभी का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. तो देखिए, मूल, ह्रस्व, लघु स्वर किसे कहते हैं, तो ये है डेफिनेशन मूल ह्रस्व स्वर का.
तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई और उ है। सेकंड नंबर है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर हम लोग किसको कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये मैंने पर्सनल नोट्स से आप लोगों को पढ़ाया था। देखिए प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर हम लोग किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर हम लोग किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे स्वर क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम के उच्चारण में हमें तीन गुना टाइम लगता है ना उच्चारण करने में, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार जो है इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि। इसका चिन्ह बिंदु देखिए ये होता है, ठीक है। अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, ये चंद्र बिंदु इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। गांव, आंगन आदि, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु, देखो कैसा होता है, चंद्र बिंदु ऐसा होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मात्रा के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप लोग जितना पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से रीड करो, ठीक है। टिल दैट, थैंक यू।